नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल के वीडियोस में। दोस्तों आप USDC, USDP और TUSD क्रिप्टो के इन तीनों स्टेबल कॉइन्स को अच्छी तरह से जानते होंगे। आपने बहुत बार इनके अंदर ट्रेडिंग भी किया होगा। बट क्या आपको पता है, आने वाले 26 तारीख के बाद इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स इन कॉइन्स को डीलिस्ट करने वाला है। दोस्तों इसका मतलब है आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इस डीलिस्टिंग के पीछे की असली वजह क्या है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे न्यूज़ देख सकते हो, वजीरेक्स विल डीलिस्ट USDC, USDP एंड TUSD। और यहाँ पे बताया गया है कि बाइनांस को फॉलो करते हुए वजीरेक्स ने ये स्टेप लिया है। यूज़र के लिए लिक्विडिटी बढ़ाना और कैपिटल इफिशियंसी को बढ़ाना इसका मेन ये पर्पज़ है। और अभी जितने भी एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं जिनके पास ये तीनों स्टेबल कॉइन का बैलेंस है, तो उनको BUSD में ऑटो कन्वर्जन मिल जाएगा 1:1 रेशो के साथ। तो मतलब आपके पास अगर बैलेंस भी है ये करेंसी में तो आपको BUSD मिलने वाले हैं। दोस्तों इसकी वजह से वजीरेक्स पे लोगों के लिए लिक्विडिटी बढ़ने वाली है और जो कैपिटल है वो भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ये बेनिफिट है दोस्तों, इसके लिए वजीरेक्स ने ये डिसीजन ले लिया दोस्तों। और ये BUSD में ऑटो कन्वर्जन का जो प्रोसेस है वो अक्टूबर 5 को हो जाएगा दोस्तों। और भी इस न्यूज़ में पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। तो यहाँ पे वजीरेक्स के यूज़र को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास ये स्टेबल कॉइन का बैलेंस पड़ा है तो आपको ऑटो कन्वर्जन में उसके सेम इक्वल अमाउंट में करेंसीज मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। आई होप आप सबको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।